एक बार फिर से आपका कक्षा 10th में स्वागत है प्यारे बच्चों। क्योंकि हम लोग इससे पहले जिस क्लास में हम बात कर रहे थे, वीडियो में हम बात कर रहे थे, उसमें हम लोग प्यारे बच्चों बात कर रहे थे भोजन के बारे में। हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट के टॉपिक नंबर फर्स्ट यानी भोजन के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर हमने पोषण के बारे में पढ़ा, हमने संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में पढ़ा, हमने कुपोषण और कुपोषण से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, चाहे वो विटामिन कुपोषण हो, प्रोटीन कुपोषण हो या खनिज तत्व कुपोषण हो, के बारे में चर्चा की। अब हम प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करते हैं मानव स्वास्थ्य की, क्योंकि अब जो हमारे पास बचा हुआ टॉपिक रह गया है वो मानव स्वास्थ्य से संबंधित ही रह गया है। मानव स्वास्थ्य की अगर मैं बात करता हूं तो मानव का स्वास्थ्य किन किन क्रियाओं पर निर्भर करता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं। मानव स्वास्थ्य की बात करें तो पहला जो बिंदु हमारे पास आता है वो आता है पीने योग्य जल के गुण और दूषित जल के दुष्प्रभावों के बारे में। पीने योग्य जल के गुण क्या है? पीने योग्य जल के गुण, कई बार बोर्ड में यह सवाल पूछा जा चुका है। कितने नंबर का पूछा जा चुका है? एक नंबर का भी पूछा जा चुका है, और इसके साथ अगर किसी प्रकार के रोग की बात कर ली जाए तो दो नंबर का भी पूछा जा चुका है। पीने योग्य जल के गुण की बात करूं तो आप ये समझिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमारी जो ये क्लास हो रही है, ये क्लास इस बात पर भी कहीं ना कहीं जुड़ाव रखती है कि हमें जो टॉपिक क्लियर करने हैं वो इस अनुरूप में करने हैं कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ सकें। अब पीने वाले जल के गुण क्या होंगे? मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं कैसा जल पीना पसंद करूंगा, आप अगर अपनी बात करें तो आप कैसा जल पीना पसंद करेंगे। पीने वाले जल के गुण की अगर मैं बात करूं तो जल में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? स्वच्छ हो, साफ दिखाई दे रहा हो, निर्मल हो, गंधहीन, कणहीन, वनस्पतिहीन, पारदर्शी, ठीक है। तो कैसा हो जल? स्वच्छ हो, निर्मल हो, गंधहीन हो, कणहीन हो, वनस्पतिहीन हो, पारदर्शी हो, और किसी प्रकार का कोई उसमें अपशिष्ट पदार्थ घुलित ना हो, तो सूक्ष्म जीवहीन एवं इसके पीएच का मान 7.0 हो, ये पीने योग्य जल के गुण है। अब हमारे पास बात आ जाती है कि पीने योग्य जल के गुण क्या होने चाहिए। पीने योग्य जल के यदि गुणों की बात करूं तो बात वहीं आ जाती है कि स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, कणहीन होना चाहिए, वनस्पतिहीन होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, सूक्ष्म जीव उसमें किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये निम्न प्रकार के गुण जिस जल में उपस्थित होते हैं उसे पीने योग्य जल कहा जाता है। तो पीने योग्य जल में निम्न प्रकार के प्रमुख आप बात कर सकते हैं कि पीने योग्य जल के गुण क्या होते हैं। तो पीने योग्य जल स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, गंध नहीं आनी चाहिए, कोई कण नहीं होना चाहिए, वनस्पति उसमें घुली हुई नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी दिखना चाहिए, मिट्टी जैसे धूल कण नहीं होने चाहिए, सूक्ष्म जीवहीन होना चाहिए, और पीएच का मान 7.0 यानी न अम्लीय हो न क्षारीय हो, लवण का आप ये कह सकते हैं न अम्लीय होना चाहिए न क्षारीय होना चाहिए। इस प्रकार के जल को हम क्या कह सकते हैं? पीने योग्य जल कह सकते हैं। पीने योग्य जल के बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है दूषित जल के दुष्प्रभाव। क्योंकि हम जानते हैं कि मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव तो जो डालता है, या तो पीने वाला जल डालता है जिसको आप उपयोगी कह सकते हैं, या फिर अब हम अपने पास आता है दूषित जल, तो टॉपिक आता है दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या होते हैं।
दूषित जल के दुष्प्रभाव की मैं बात करता हूं बच्चों, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि मानव के जीवन में जल का एक अपना महत्व है, और जल का महत्व भी क्या है, हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जल के उपयोग जो है वो केवल और केवल हमारे शरीर में कोशिकाओं में जल की प्राप्ति करने तक ही सीमित नहीं होते। जल हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करवाने का कार्य करता है, इससे शरीर में पदार्थों का परिवहन होता है, इससे उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जित करने का कार्य किया जाता है। हमारे शरीर में जल अपशिष्ट के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपशिष्ट को हमारे शरीर से उत्सर्जित करने का कार्य जल के माध्यम से ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो उपयोगी पदार्थों के परिवहन में भी जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने में भी जल का अपना एक कार्य होता है। हमारे शरीर में ऊष्मा का वितरण की बात की जाए तो ऊष्मा के वितरण की क्रिया भी जल के माध्यम से ही की जाती है। इसी प्रकार मैं बात करूं हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर लूं, या शरीर में हम रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता की बात कर लें, तो वो भी कहीं ना कहीं जल के माध्यम से ही हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो जल हमारे शरीर के लिए एक प्रमुख प्रकार का आवश्यक घटक है। हालांकि जल को आप भोज्य पदार्थों के उन घटकों में भी शामिल कर सकते हैं जिनके बारे में हम पूर्व की कक्षा में, जहां संतुलित भोजन में हम भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में बात करते आ रहे थे, वहां पर भी आप उसको सम्मिलित कर सकते हैं। अब जब समस्त प्रकार के निम्न कार्य जो है वो जो जल के माध्यम से हो रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं दूषित जल हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है? प्यारे बच्चों, जल के माध्यम से यदि किसी प्रकार का रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो हमारे शरीर को रोगकारी कर देता है, और रोगकारी भी इस प्रकार कर देता है जिससे हमारा शरीर एक विशाल या फिर ऐसे रोग से ग्रसित हो जाता है जो एक प्रकार के संक्रामक रोगों में काउंट होता है। पहली बात तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसा रोग जो रोगी से स्वस्थ में फैलता है, ऐसा रोग जो रोगी से जिसमें रोग नहीं है उसमें फैल जाता है, स्वस्थ में फैलता है, इस प्रकार के रोग को संक्रामक रोग कहा जाता है। और जल के माध्यम से ऐसे संक्रामक रोग जिनमें डायरिया प्रमुख प्रकार का रोग है उसमें ये फैलता है। हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों जल से होने वाले प्रभावों की, जल के दूषित जल के दुष्प्रभावों की। तो दूषित जल के कारण दूषित जल का सेवन करने से मानव शरीर रोग ग्रस्त हो जाता है। इसके कारण शरीर में इसके कारण मानव शरीर क्या हो जाता है भाई, रोगग्रस्त हो जाता है। इसके कारण शरीर में किसके कारण, दूषित जल के कारण, इसके कारण शरीर में अनेक प्रकार के रोग कारक प्रवेश कर जाते हैं जो मानव शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं दूषित जल के द्वारा, और जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाता है, आइए हम एक एक करके उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। अगर मैं दूषित जल के द्वारा प्रवेश करने वाले रोग कारकों की बात करूं
तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विषाणुजन्य रोगों की, या आप कहें तो जीवाणुजन्य रोगों की बात कर लूं, आप कहें तो प्रोटोजोआजन्य रोगों की बात कर लूं, जैसा आप कहेंगे उसी अनुरूप में हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं विषाणुजन्य रोगों की बात कर लेता हूं। विषाणुजन्य रोग नंबर एक, विषाणु जन्य रोग, विषाणुओं के कारण। अब ये विषाणु किस माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं? दूषित जल के माध्यम से। दूषित जल के माध्यम से यदि विषाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसे विषाणु जन्य रोग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से रोग हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप मैं बात करूं, पोलियो, पोलियो की बात कर लेता हूं, पीलिया की बात कर लेता हूं। पीलिया को आप हेपेटाइटिस ए भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए भी आप इसे लिख सकते हैं। हेपेटाइटिस ए भी आप इसे लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? पीलिया को लिख सकते हैं, हेपेटाइटिस ए। तो आप इसे हेपेटाइटिस ए लिख दें या पीलिया लिख दें, पोलियो, दो अलग अलग प्रकार के रोग किसके कारण हो जाते हैं? विषाणु के कारण। विषाणु आपके शरीर में कैसे प्रवेश कर रहा है? दूषित जल के कारण। तो क्या दूषित जल का दुष्प्रभाव है? हाँ जी बिल्कुल है। दूषित जल का सेवन करने से मानव शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसके कारण शरीर में अनेक प्रकार के रोग कारक प्रवेश कर जाते हैं। अनेक प्रकार के जो रोग कारक है, जिसमें नंबर एक पर विषाणु जन्य की बात की है, दूसरे पर मैं बात करता हूँ जीवाणु जन्य रोग। अगर मैं जीवाणु जन्य रोगों की बात करूं, जीवाणु जन्य रोग जो आपके शरीर में हो जाते हैं जीवाणुओं के कारण, और आपके शरीर में कौन कौन से जीवाणु जन्य रोग हो जाते हैं, तो मैं हेजा की बात कर लेता हूं, हेजा, टाइफाइड की बात कर लेता हूं, सॉरी हेजा की आंत्रशोथ की बात कर लेता हूं, हेजा टाइफाइड की बात कर लेता हूं, दो हो जाएंगे, और आंत्रशोथ की भी बात कर लेता हूं, हेजा टाइफाइड और आंत्रशोथ की बात कर लेता हूं। ये सभी प्रकार के जो रोग होते हैं ये जीवाणुओं के जल के माध्यम से, दूषित जल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करने के कारण होते हैं। अगर मैं नंबर तीन पे बात करूं तो मैं बात कर लेता हूं अब प्रोटोजोआ जन्य रोग। प्रोटोजोआ जन्य रोगों की बात करूं, अगर आप ऊपर लिख देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये हटा देता हूं क्योंकि अब जो है मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है नीचे। कोशिश करता हूं एक तो लिखने की। मैं प्रोटोजोआ जन्य रोग, प्रोटोजोआ जन्य रोग, प्रोटोजोआ के माध्यम से, यानी प्रोटोजोआ जब जल के माध्यम से, दूषित जल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है तो इसके कारण आपके शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसमें आप विशेष प्रकार के रोग की बात कर सकते हैं, अमीबीय पेचिस की। किसकी? अमीबीय पेचिस की बात कर सकते हैं। बच्चों में होने वाला विशेष प्रकार का रोग है जो बच्चों को रोगग्रस्त कर सकता है और जिसमें उनके शरीर में डायरिया यानी दस्त लगने वाली जैसे रोग हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे अंत में कर्मी जन्य रोगों की, जो उसी दूषित जल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। नंबर चार मैं बात कर लेता हूं कर्मी जन्य रोग। कर्मी जन्य रोग की बात करूं तो आपके पास केवल एक ही प्रकार के रोग का मैं एग्जांपल दे देता हूं, आप बात कर सकते हैं बाला, या फिर आप इसे नारू रोग भी कह सकते हैं। ये कर्मी जन्य रोगों की हम बात कर रहे हैं। ऐसे तो आप फेता कर्मी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों की बात कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के अन्य रोगों की भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम अकॉर्डिंग टू हमारे टॉपिक चल रहे हैं, तो टॉपिक के अनुरूप हमारे पास दूषित जल का सेवन करने से उत्पन्न होने वाले स्थितियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या दूषित जल का मानव शरीर पर दुष्प्रभाव होता है? बिल्कुल होता है।
प्यारे बच्चों, दूषित जल का सेवन करने से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग कारक प्रवेश कर जाते हैं, चाहे वो विषाणु हो, जीवाणु हो, कृमि हो, प्रोटोजोआ हो, और यह कारक हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर को रोग ग्रस्त कर देते हैं। और रोग ग्रस्त जब कर देते हैं तो हमारे शरीर में हैजा, टाइफाइड, आंत्रशोथ, पोलियो, पीलिया, अमीबिया, पेचिस और बाला या नारू जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। निम्न प्रकार की स्थिति हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों, यहाँ जो सवाल बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन डेवलप किए जाते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। और क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं बोर्ड में, कभी ऐसा नहीं होता कि किताब के पीछे वाले क्वेश्चन को ही आपको दिए जाएं, कोई भी क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, चाहे आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूप में उन्हें तैयार करना हो। तो पहला क्वेश्चन बनता है पीने योग्य जल के गुण, जो मैंने हटा दिए यहाँ से, फिर मैं बता देता हूँ। पीने योग्य जल के गुणों की बात करूँ तो स्वच्छ हो, निर्मल हो, गंधहीन, कणहीन, वनस्पतिहीन, सूक्ष्म जीवहीन, पारदर्शी और पीएच का मान 7.0 होना चाहिए। ऐसे जल के जो गुण होते हैं उन्हें आप पीने योग्य जल कह सकते हैं। पीने योग्य जल के बाद अगर हम बात करें तो दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या है, दूषित जल के दुष्प्रभावों की बात करूं तो दूषित जल हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग कारकों को प्रवेश करवाता है और हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देता है। कई बार सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि जल के उपयोग पूछ लेता है, तो जल ना केवल हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करवाता है, एक बात, हमारे शरीर में जल के द्वारा उपापचयी क्रियाओं को संपन्न कराया जाता है एक बात, उपापचयी क्रियाओं के साथ साथ जल हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों के परिवहन करवाने का कार्य करता है। जल के द्वारा हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित करने का कार्य किया जाता है। जल हमारे शरीर में ऊष्मा के वितरण का कार्य करता है। जल हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने में सहायक होता है। जल हमारे शरीर में टेम्परेचर को नियंत्रित करने के काम में भी आता है। तो ये जल के उपयोग होते हैं जो हमारे शरीर में कार्य करते हैं। तो जल के उपयोग, जल के गुण और जल के दुष्प्रभाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम टॉपिक की किसकी बात कर रहे हैं, हम मानव स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अब यहाँ बच्चों हमारे लिए एक नया टॉपिक जो है आता है, वो आता है बाला या नारू रोग। तो हमारे लिए एक नई बात आ जाती है, बाला या नारू रोग किसे कहा जाता है। बोर्ड में सवाल पूछा जा चुका है, 2 नंबर का सवाल आया था, बाला या नारू रोग किसे कहते हैं, किस के कारण ये रोग उत्पन्न होता है, कौन सा कृमि होता है, किस प्रकार ये रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है। राजस्थान सरकार ने इस रोग को कम करने के लिए, इस रोग से बचाव करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए हैं, आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई प्रकार के रोग जो है हमारे शरीर में दूषित जल के कारण प्रवेश करते हैं, उन्हीं में से एक रोग जिसे हम बाला या नारू रोग कह रहे हैं। बाला या नारू रोग कृमि के द्वारा गोल कृमि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करने वाला रोग, हमारे शरीर में गोल कृमि के द्वारा यह रोग प्रवेश करता है। गोल कृमि कौन सा है, आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूं। मैं बात करता हूं बाला या नारू रोग की, तो बाला या नारू रोग जिस कारक के कारण उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस गोल कृमि मादा। कैसी है, गोल कृमि। नाम क्या है, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस गोल कृमि मादा। तो बाला या नारू रोग जिस कृमि के कारण उत्पन्न होता है उसे ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस गोल कृमि मादा कहा जाता है। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस गोल कृमि मादा के अंडे जब जल के माध्यम से हमारे शरीर में, या इसका लार्वा जब जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो यह रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, इसको हम बाला या नारू रोग कहते हैं। यह एक प्रकार का कृमिजन्य रोग है और राजस्थान सरकार भी इस रोग को नष्ट करने के लिए प्रतिवर्ष
दवाइयाँ या आप ये कह सकते हैं मेडिसिन जो है वो अवेलेबल करवाती है। बच्चों में खास तौर पर ये रोग उत्पन्न हो जाता है क्योंकि बच्चे गीली मिट्टी या चूना कई प्रकार के ऐसे पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं जिनके माध्यम से यह है रोग कारक जो है वो प्रवेश शरीर में करवा कर जाता है। होता क्या है इस रोग में, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस गोलकर्मी, ये जो मादा है इसके द्वारा जल में अंडे दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं, जलाशय में। तो ये मान लीजिए आपका मादा है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस गोलकर्मी मादा, मैं इसका एक नामांक चित्र सा बना देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। गोलकर्मी मादा है, इसके द्वारा जल में अंडे दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं, जल में क्या दिए जाते हैं, अंडे, ठीक है। यहाँ इन्होंने जल में अंडे दे दिए, ये जल में अंडे हो गए, हो गए। अब इनके द्वारा जो ये जल में अंडे दिए गए हैं, इन अंडों को साइक्लोप्स नामक एक आर्थ्रोपोडा ग्रहण कर लेता है। इन अंडों को कौन ले लेता है जल में, साइक्लोप्स नामक आर्थ्रोपोडा के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस गोलकर्मी मादा ने अंडे कहाँ दिए, जल में दिए। जल में उन अंडों को कौन ग्रहण कर लेता है, साइक्लोप्स नामक आर्थ्रोपोडा ग्रहण कर लेता है। यह अंडे जो साइक्लोप्स नामक आर्थ्रोपोडा के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन अंडों, यह अंडे साइक्लोप्स नामक आर्थ्रोपोडा के शरीर में ही किस में प्रवेश कर जाते हैं, लार्वा में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, लार्वा में बदल जाते हैं। और ये जो लार्वा है इसे पुनः कहाँ उत्सर्जित कर दिया जाता है, जल में उत्सर्जित कर दिया जाता है। ऐसा जल जिसमें साइक्लोप्स नामक आर्थ्रोपोडा के द्वारा लार्वा छोड़ा गया है, तो ये लार्वा जल प्लस क्या है, लार्वा है। ये दोनों आपस में जब मिले हुए होते हैं, ऐसे जल को कौन काम में ले ले, ऐसे जल को यदि मनुष्य द्वारा क्या कर लिया जाए, ग्रहण कर लिया जाए, तो आपके शरीर में ये लार्वा भी प्रवेश कर जाएगा, जिसके कारण आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न होगा उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे बाला या नारू रोग। ये बाला या नारू रोग के उत्पन्न होने का कारण है। तो बाला या नारू रोग कैसे उत्पन्न होता है, फिर से समझ लीजिए। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस गोलकर्मी मादा के द्वारा अंडे दिए जाते हैं जलाशय। इन अंडों को साइक्लोप्स नामक आर्थ्रोपोडा ग्रहण कर लेता है। यह अंडे लार्वा में इसी के शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं। इस लार्वा को जब जल में उत्सर्जित किया जाता है, तो इस लार्वा वाले जल को यदि मानव द्वारा ग्रहण कर लिया जाए, तो आपके शरीर में ये जो लार्वा प्रवेश कर रहा है, इसी के कारण बाला या नारू रोग उत्पन्न हो जाता है। तो बाला या नारू रोग इस प्रकार संचरित होता है। हालांकि ये सारा सिस्टम क्यों हो रहा है, ये सारा सिस्टम इसलिए हो रहा है कि आपने दूषित जल का सेवन किया। यदि आप दूषित जल का सेवन ही नहीं करते, तो आपके शरीर में निम्न प्रकार का ये रोग भी उत्पन्न नहीं होता। तो इससे बचाव कैसे किया जाए, इससे बचाव करने के लिए आप जो जल का उपयोग कर रहे हैं, जिस जल को आप काम में ले रहे हैं, उस जल को, पीने योग्य जल को, पीने योग्य जल को उपचार बता रहा हूं मैं, उबाल कर छान कर ठंडा कर इसका क्या करें, सेवन करें। या पहले आप इसको छान लें, उबाल लें, फिर उसको ठंडा करें, फिर उसको साफ करने के बाद फिर इसका आप सेवन करें। ऐसी स्थिति में जब आप इसका सेवन करेंगे, तो आपके शरीर में किसी प्रकार का दूषित जल के माध्यम से रोग कारक प्रवेश नहीं करेगा और आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। इसी प्रकार चूंकि हम जानते हैं अनेक प्रकार के जलाशय जो हमारे आसपास हम देखते हैं, उन जलाशयों में भी अनेक प्रकार के रोग कारक प्रवेश कर जाते हैं। जैसे तालाब की बात करो, पोखर की बात करो, कुंड की बात करो, उनमें अनेक प्रकार के रोग कारक पहुंच जाते हैं। जिसके कारण क्या क्या है, जिसके कारणों की अगर मैं बात करूं, तो मानव उसका सबसे बड़ा इफेक्टिव कारण है। क्यों है, क्योंकि मानव के द्वारा वहां पर स्नान करने, उसके आसपास के क्षेत्र में मल त्याग करने, उसके आसपास के क्षेत्र में वस्त्रों को धोने,
आदि कार्य किए जाते हैं जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोग कारक जलाशयों में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं के द्वारा भी उन जलाशयों में प्रवेश करने के कारण अनेक प्रकार के रोग कारक जो है वहां प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मानवीय क्रियाकलापों को रोक कर भी आप निम्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। आप दूषित जल से बच सकते हैं, आप रोगों की स्थिति से बच सकते हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान सरकार की, जो इस संदर्भ में लगातार कार्य कर रही है, कौन से संदर्भ में, बाला या नारू रोग के बारे में, तो राजस्थान सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था बाला उन्मूलन कार्यक्रम। बाला उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद इस रोग का कोई रोगी प्राप्त नहीं हुआ है। और इस रोग के लिए प्रत्येक वर्ष स्कूली क्षेत्र पर या स्कूली लेवल पर बच्चों को मेडिसिंस दी जाती है, टेबलेट्स दी जाती है, जो आप लोगों ने भी खाई होगी। तो उसके आधार पर मानव स्वस्थ बना रहता है और ये रोग जो है वो आगे, चूंकि संक्रामक रोग है इसलिए आगे नहीं फैलता। तो निम्न आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि मानव के स्वास्थ्य पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूषित जल का सेवन करने से मानव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में हमने अलग अलग रोगों की बात की है, जिसमें हमने हैजा, टाइफाइड की बात की, आंत्रशोथ की बात की है जो जीवाणुजन्य रोग है, विषाणुजन्य रोगों में हमने पोलियो और पीलिया की बात की रही है, हम अमीबा की बात, अमीबे पेचिस की बात करें तो हमने प्रोटोजोआ जन्य रोग के रूप में उसको जाना है, और कर्मी जन्य रोग की बात की है तो हमने बाला या नारू रोग की बात की। तो यहाँ मानव स्वास्थ्य से संबंधित पीने योग्य जल के गुण, उसके उपयोग और उससे होने वाले दुष्प्रभावों की हमने चर्चा की है। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, मोटापा की। हम मोटापा की, चूंकि मानव स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं इसलिए मोटापा की भी बात करेंगे। हम मानव स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं इसलिए हम बात करेंगे रक्तचाप की भी, निम्न रक्तचाप की भी बात करेंगे और उच्च रक्तचाप की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मोटापा की बात करते हैं और मोटापा के बाद हम निम्न रक्तचाप की भी बात करेंगे और उच्च रक्तचाप की भी बात करेंगे। तो यहाँ जल और जल से संबंधित स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बाद अब हम बात करते हैं मोटापा की। मोटापा की बात करूं तो मोटापा किस प्रकार हमारे शरीर के लिए एक रोगग्रस्त स्थिति है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। मोटापा की बात की जाए, मोटापा क्या है मेरे बच्चों? शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है। शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव किसका जमाव? वसा का जमाव क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। एक सीमा से अधिक अगर आपके शरीर में वसा हो जाए तो उस वसा के जमाव को, शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है, मोटापा कहलाता है। तो निश्चित ही बात यह है कि आपके शरीर में मोटापा क्या है, आपके शरीर में अगर वसा का जमाव अधिक हो रहा है तो वो ही आपके शरीर में मोटापा कहलाता है। मोटापा क्या वास्तव में रोग है? मोटापा रोग ना होकर प्यारे बच्चों रोगों का समूह है। अगर मोटापा रोग ही होता तो वहां तक तो बात समझ में आ जाती कि चलो एक रोग है उसको उपचारित किया जा सकता है। यहाँ मोटापा रोग नहीं है अपितु रोगों का क्या है? समूह है। मोटापा रोग ना होकर रोगों का समूह है, अतः हम ये कह सकते हैं तो मोटापा को किस प्रकार हम आगे इसको उपचारित करें। तो पहला काम तो यह होता है कि मोटापा को समझा कैसे जाए, किस आधार पर, हमारे पास कोई तो ऐसा बेसिक पॉइंट होगा जिसके आधार पर हम मोटापा को समझ सकते हैं। तो यदि शरीर का भार
भार 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो, 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तो यह मोटापा के पूर्व की स्थिति है। मोटापा के किसकी स्थिति है? मोटापा के पूर्व की स्थिति है, यानी सामान्य स्थिति है, कहने का मतलब यह है। लेकिन यदि शरीर का भार, यदि शरीर का भार 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तो 20 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या इससे अधिक हो तो मोटापा कहलाता है। तो क्या क्या है? पहली बात तो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो स्थिति है, यदि 30-25 किलोग्राम की है तो सामान्य स्थिति है, लेकिन अगर 30 किलोग्राम के ऊपर की स्थिति है, 30 किलोग्राम के आसपास की स्थिति है तो वो मोटापा की स्थिति है। तो इस मोटापा की स्थिति को किस प्रकार हम संभवतः क्लियर कर सकते हैं, या हम मोटापा की जो स्थिति हमारे सामने संपन्न होती है, या मोटापा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उस मोटापा के बारे में हम किस प्रकार इसको क्लियर करें? प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में मोटापा की गणना करने के लिए BMI बॉडी मास इंडेक्स, किसके लिए? मोटापा की गणना करने के लिए BMI या बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। तो शरीर का भार सूचकांक जो है, सॉरी बीच में कई बार मुझे थोड़ा जुकाम रहता है, शरीर का भार सूचकांक यानी BMI, इसको आप बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बी फॉर बॉडी, एम फॉर मास और आई फॉर इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। शरीर का भार सूचकांक जो है वो BMI, बॉडी मास इंडेक्स जो है, प्यारे बच्चों, ये मानव शरीर का भार एवं लंबाई के अनुपात पर, मानव शरीर का भार एवं लंबाई के अनुपात पर कार्य करता है। यानी अब हमें क्या समझना है, पहले ऊपर से समझिएगा मोटापा क्या है। शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है, शरीर में चर्बी का एक्स्ट्रा जमना मोटापा कहलाता है। मोटापा किस आधार पर प्रदर्शित किया जाता है? यदि का शरीर का भार 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तो ये मोटापा के पूर्व की स्थिति है, यानी सामान्य स्थिति। यदि शरीर का भार 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या इससे अधिक है तो ऐसी स्थिति को मोटापा कहा जाता है। शरीर का भार सूचकांक जो है वो BMI है, जो शरीर का भार और शरीर के लंबाई के अनुपात पर कार्य करता है, भार और लंबाई के अनुपात पर कार्य करता है। प्यारे बच्चों, मानव के शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव ही मोटापा कहलाता है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शरीर में मोटापा रोग नहीं अपितु रोगों का क्या है? समूह है। मोटापा रोग नहीं है अपितु क्या है? रोगों का समूह है। इसके कारण कैसे कैसे रोग हो जाते हैं? इसके कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह, रात्रिकालीन अनिद्रा, ठीक है, चिड़चिड़ापन, हृदय संबंधित रोग, ये सारे के सारे किसके कारण होते हैं? ये सारे के सारे मोटापा के कारण होते हैं।
तो मोटापा का भी एक रोग थोड़ी है, ये तो क्या हुआ, रोगों का समूह हो गया। अतः मोटापा से बचकर आप रोगों से बच सकते हैं। कैसे बचें? मोटापा से बचने के लिए आपको लगातार, लगातार का मतलब होता है प्रत्येक दिन व्यायाम करने की या योग करने की आवश्यकता है। संतुलित भोजन का सेवन करें। मार्केट से मिलने वाला भोजन जिसे त्वरित भोजन कहा जाता है, जिसे फास्ट फूड कहा जाता है, उसका सेवन करने से आप बचे। यदि आप त्वरित भोजन से या फास्ट फूड के सेवन से बच जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं मोटापा जैसे भयावह रोग से भी बच जाते हैं। क्योंकि आज के समय में मानव ने अपने जीवन को पूर्णतः ही परिवर्तित कर लिया। आज के समय में जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ही बाजारों में मिलने वाले भोज्य पदार्थों पर अपने आप को उन्हीं पर डिपेंड रखती है, उन्हीं पर निर्भर रखती है। तो ऐसे में जो भोजन है जिसमें जो सभी घटक हमारे शरीर में प्रवेश करने चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, जल हो, उनकी तुलना में हम जो ये मार्केट वाले भोजन सेवन करते हैं उनमें वसा की यानी फैट की अत्यधिक मात्रा होती है। और फैट वाला भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर में निम्न प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो मानव शरीर को रोग ग्रस्त बना देती है। ऐसी स्थिति में आप ना केवल भोज्य पदार्थों को संतुलित सेवन कर इन रोगों से बच सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप अपने शरीर को योग, व्यायाम और प्रतिदिन अपने शरीर को संतुलित क्रियाओं के अनुरूप आप निम्न प्रकार के रोगों से समय को बचा सकते हैं। तो मानव स्वास्थ्य में हम सबसे पहले यहाँ बात कर रहे हैं मोटापा की, और मोटापा के बाद हम दूसरे नंबर पर अब बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं रक्तचाप की। रक्तचाप किसे कहते हैं और रक्तचाप कितने प्रकार का होता है, रक्तचाप को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, अब हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में रक्तचाप जो है वो भी आपके शरीर को यदि सामान्य स्थिति में है तब तो कोई बात नहीं है, यानी 120 से 80 mmHg है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये रक्तचाप के लिए गणना की जाती है मिलीमीटर में, और मर्क्यूरी वो जो पारा भरा हुआ होता है आपके स्पाइग्रोमैनोमीटर नामक उपकरण में जिससे रक्तचाप को मापा जाता है, उसी के आधार पर इसको mmHg कहा जाता है। तो 120 से 80 अगर होता है उच्चतम और निम्नतम, इसके आधार पर यह रखा जाए तो आप इसको रक्तचाप को सामान्य कह सकते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर या इससे नीचे हो तो ऐसी स्थिति को हम उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के बारे में भी आइए हम चर्चा करते हैं।